हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण सिव कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पर मैं 39 चेस्ट पर प्रिंसेस का ब्लाउज की कटिंग बताने जा रही हूँ। तो इसलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर अस्तर को इस तरीके से बराबर करते हुए दो फोल्ड पर बिछा लिया है। यहाँ पर इस तरीके से बिछाना है कि हमारे सारे पल्ले और स्लीव्स की कटिंग इस अस्तर के कपड़े में हो जाए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमें कपड़े को इस तरीके से बिछाना होता है। अब यहाँ पर मैं इसकी लेंथ जो है, यहाँ पर मैं 15 इंच ले रही हूँ। बैक साइड का जो पल्ला रहेगा तो उसके लिए मैं इस तरीके से दोनों तरफ निशान लगा के बराबर कपड़ा निकाल रही हूँ। और कपड़े को मैंने नीचे से पहले से ही बराबर कर रखा है, तो आप लोग कपड़े को नीचे से ज़रूर लाइन खींच कर बराबर कर लें। अब यहाँ पर जो मैंने 15 इंच लंबाई पर लिया है इसकी लेंथ, तो यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है। अब इस तरीके से हमारा ये कपड़ा यहाँ पर बराबर है, तो फोल्ड करके हमें इस तरीके से बिछा देना है। अब यहाँ पर चेस्ट 39, इसे सीधे सीधे 40 में लेना होता है। यदि हमारा 39 या 33 इस तरीके से बीच के आते हैं तो उसे हमें 1 इंच बढ़ा कर ही लेना होता है। तो इसका फोर्थ पार्ट हमारा 10 हुआ। 40 करने पर 39 में 1 इंच प्लस कर लिया तो 40 हो गया, उसको हम फोर्थ पार्ट कर देंगे तो हमारा 10 आएगा। इसमें 1.5 इंच प्लस करके 11.5 पर हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है। आप यहाँ पर 2 इंच भी प्लस कर सकते हैं और 2.5 इंच भी प्लस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा फोर्थ पार्ट में 1.5 इंच प्लस करने के बाद जो निशान आया लगाने के बाद, हमें नीचे भी इसी तरीके से निशान लगा देना है। तो हमने यहाँ पर इसको नीचे भी निशान लगा दिया है। और फिटिंग का निशान मैं स्टिचिंग करते समय ही देती हूँ, जैसा कि आपने देखा है उसे पहले भी दिया जा सकता है, लेकिन इस तरीके से भी निशान लगाना बहुत ही सही रहता है। तो अब हमें इस तरीके से सीधा निशान कर लेना है। करने के बाद अब यहाँ पर ऊपर की ओर पर हमें शोल्डर्स पे 6 इंच यहाँ पर हमने ले लिया है, इस तरीके से निशान लगाया है। अब इसे नीचे सीधा करना है। यहाँ पर भी मैं 6 इंच पर नाप के निशान लगा दे रही हूँ सीधे। तो इस तरीके से आप सीधी लाइन खींच देनी है और एक बॉक्स का शेप दे देना है। तो यहाँ पर इस तरीके से अब बराबर में हमें सीधे लाइन में ले जाना है खींचते हुए। अब इसके बाद अब हमें यहाँ पर 1.25 इंच 1.25 इंच का निशान लगाना है। इस तरीके से एक सीधी लाइन खींच के आप इस तरीके से भी निशान लगा सकते हैं और उसको इस तरीके से लेते हुए गुलाई दे देनी है। और इसकी प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा करेंगे, जो बिगनर्स हैं उनकी निशान उतना ही सही जाएगा। और ऊपर अब हमें गले के लिए चौड़ाई में 3 इंच पर निशान लगाया है। ये इस तरीके से दोनों तरफ से जब दबेगा तो हमारा ये लगभग 2 पर पट्टी तैयार होगी कंधे पर। अब यहाँ पर गले की गहराई आप यहाँ पर 8.5 पे हमने लिया है। आप 8, 8.5, 9 जहाँ पर भी आप लेना चाहते हैं आप आराम से ले सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये लिया है। अब इस तरीके से लाइन सीधी करके खींच देनी है और यहाँ पर हमें 0.25 पर इस तरीके से मुट्ठे को नीचे की ओर गिराना है। तीरा, इसे तीरा भी बोलते हैं, तो इस तरीके से गिराना है। अब यहाँ पर हमें गुलाई देनी है। तो गुलाई आप यदि जितना प्रैक्टिस करते हैं आपकी उतनी अच्छी गुलाई आती है। और इस तरीके से भी आप 1 इंच पर ऊपर की ओर निशान यहाँ पर लगाने के बाद इसको इस तरीके से गुलाई दे सकते हैं। और यदि आपको कोई गले का शेप बनाना है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसके बाद इसका बकरम पर कटिंग करके इसकी शेप दी जाती है, तो जैसा भी बनाना हो। अब इसके बाद अब हमें बैक साइड की प्लेट पर निशान लगाने के लिए यहाँ पर मैंने 10.5 पर लिया है, 11 पर भी ले सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर 4 इंच पर एक निशान लगाना है, इस तरीके से कट कर दिया। अब इसे नीचे की ओर सीधे मिला देना है। यहाँ पर मिलाने के बाद 1 इंच आगे की ओर बढ़ते हुए, 1 इंच की प्लेट है तो आगे की ओर 1 इंच बढ़ते हुए 1.75 तक आप यहाँ पर पीछे प्लेट का निशान लगाएंगे, इस तरीके से जैसे मैंने लगाया है। अब इसकी पूरी कटिंग कर दी देनी है जैसे हम कटिंग कर रहे हैं। आराम से इसको कैची के आगे वाले नोक से कटिंग की जाती है। तो इस तरीके से धीरे धीरे करते हुए पूरी हमें कट करके बैक साइड का पल्ला निकाल लेना है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये कटिंग हमारी कम्प्लीट हुई। इस तरीके से इधर भी कटिंग कर देना है। तो हमारा यहाँ से ये पल्ला बैक साइड का निकल गया है। अब ये बैक साइड का पल्ला निकालने के बाद अब हमें क्या करना है कि हमें आगे
का पल्ला निकालना है, तो इसको हमें इसके इधर की ओर ले जाएंगे, आगे की ओर। यहाँ पर इस तरीके से बराबर रखने के बाद हमें आगे के पल्ले में एक्स्ट्रा रखना है लगभग 1 इंच। अब यहाँ पर नीचे लंबाई में हमने कपड़ा एक्स्ट्रा ले लिया है, पीछे वाले पल्ले से आगे वाला पल्ला बड़ा रहेगा लगभग 1 इंच। तो और अब हमने चौड़ाई के लिए कपड़े को थोड़ा सा और खसका के आगे की ओर बढ़ाते हुए लिया है, और हुक आई के लिए थोड़ा सा 0.25 एक्स्ट्रा करते हुए, और ये जो गला है हमारा गले के निशान के पास हम लगा रहे हैं, तो आगे वाला गला हमारा 6 पर रहेगा, और जितनी भी चौड़ाई कंधे की है उसको निशान लगा के इस तरीके से दिखाने के लिए पूरा निशान लगा दिया है। तो इस तरीके से जो हमारा बैक साइड का हमारा ब्लाउज का कट था उसको हमने पूरे निशान उसके इस वाले पल्ले पर ले लिए हैं, ताकि हम आगे वाले निशान को आराम से लगा सकें। तो ये देख सकते हैं सारा निशान हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। इस तरीके से जो भी हमारा बॉक्स जैसा निशान था उन सारे निशानों को कंप्लीट कर लिया है। बैक साइड का जैसे कि गला हमारा बड़ा था, डीप था, और फ्रंट का हमारा 6-6.5 तक पर गला रहता है, और जिसे चाहिए होता है वो तो उससे ज़्यादा भी रख सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ पर 6 पर ही गला रखना है। तो 6 पर इस तरीके से एक सीधी लाइन खींचते हुए इसके अंदर अब हमें गुलाई का निशान लगाना होगा। तो पहले तो हमने सारे निशानों को इस तरीके से लगा लिया है। लगाने के बाद अब हम आगे की जितने भी निशान है उसे कंप्लीट करनी है। तो ये सारे निशान साफ साफ लग गए हैं। अब इसके बाद अब हमें यहाँ पर 1 इंच पर इस तरीके से गले की गुलाई देनी है आगे। तो सारे प्रोसेस को आप ध्यान से देखते जाइए, तब आप आराम से निशान लगा पाएंगे। तो यहाँ पर गले का निशान हमने आगे लगा लिया है, आप जो भी शेप देना चाहें। तो इस तरीके से अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा है जिसकी मैं चौड़ाई एकदम कंप्लीट नाप रही हूँ कि ये कितना है। तो इस तरीके से नापने के बाद अब इसको डार्क कर दे रहे हैं, ये बैक साइड का जो हमारा निशान था। और कंधे हमारे जैसे कि पता है आपको कि सिलाई में दबने के बाद 2 पर तैयार होंगे। इसके बाद अब हमें इसको कट करके गले को इस तरीके से निकाल लेना है, कट करना है इस तरीके से, कट करके इस तरीके से निकाल लेना है। और इसके बाद अब हमने यहाँ तक इस तरीके से कट करके निकाल लिया है। आगे की ओर अब हमें गुलाई देनी है आगे वाले बाजू के लिए, आर्म होल के लिए। तो इस तरीके से लगभग 1/2 इंच इसका जो सेंटर आएगा वहाँ से 1/2 इंच आगे की ओर लेते हुए इस तरीके से हमें इसकी गुलाई दे देनी है। तो ये देखिए इस तरीके का भी शेप देकर आप गुलाई दे सकते हैं, और हमने कई वीडियो में तरीका बताया है उसी तरीके से। तो देखिए इस तरीके से थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हमें यहाँ पर एक निशान लगा देना है। तो ये हमारा आगे के लिए आर्म होल की गोलाई है। अब हमें आगे कितना एक्स्ट्रा रखना है तो इसको भी मैं यहाँ से कट करके निकाल दे रही हूँ, ताकि आपको अच्छी तरीके से आसानी से समझ में आए। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से सीधे करके निकाल देना है। और अब हमें चौड़ाई में जो हमारा है, तो आगे हमारा जोड़ पड़ता है इसलिए हमारा आगे और ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा, क्योंकि जो जोड़ में दबता है उसे हमें यहाँ से लगभग 0.75 इंच ऊपर से और नीचे से इस तरीके से हमारा कपड़ा बढ़ा देना है, क्योंकि नीचे हमारी जो प्लेट है वहाँ पर हम यहाँ पर इसमें 2 इंच या 1.5 इंच की प्लेट जो डालेंगे, तो जितना चौड़ा प्लेट डालेंगे उसके लिए हमें उतना ही एक्स्ट्रा आगे की ओर निशान करके बढ़ा देना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने 1.5 इंच की प्लेट बढ़ाई है, तो 1.5 इंच का नीचे की ओर और 0.75 इंच ऊपर की ओर हमने बैक साइड के पल्ले से ज़्यादा बढ़ा कर लिया है, और ये करना ज़रूरी है, नहीं तो हमारा कपड़ा कम हो जाएगा। तो हमने जितने भी निशान लगाए थे इस तरीके से निशान लगा के हमने कट कर लिया है। आपको साफ साफ ये ध्यान देना है कि हमें आगे की वाले पल्ले में ऊपर की ओर 0.75 और नीचे की ओर 1.5 इंच के करीब कपड़ा और एक्स्ट्रा बढ़ा लेना है, तो हमारा कपड़ा कम नहीं पड़ेगा। अब हम निशान लगाएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 10.5 पर एक निशान लिया है इसका शेप प्रिंसेस कट देने के लिए, और यहाँ से हम 4 इंच पर निशान लगा रहे हैं
इस तरीके से यहाँ पर 4 इंच पर, और ये हमारा जो है इस तरीके से हुक आई है तो पट्टी लगेगी तो ये दब जाएगा। तो यहाँ से हम नाप के देखेंगे, तो ये देखिए यहाँ से एक निशान लगा दिया, ये हमारा टक्स पॉइंट यहाँ पर हमारा निकलेगा। तो इस निशान से लगभग 1 इंच ऊपर जाएंगे इस तरीके से, और इसकी गोलाई जो है देख जिस तरीके से यहाँ पर दिया जा रहा है सेम उसी तरीके से ये जो हमारा निशान है इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए इस तरीके से निशान लगा देना है। और हम यहाँ पर जो प्लेट हमारी पड़ती है तो ये हमने यहाँ पर लगभग 1.75 के करीब लिया है, तो इस तरीके से यहाँ पर निशान लगा देना है। तो इस निशान को जो हमने पहले निशान लगाया था इस तरीके से स्केल से मिलाते हुए तिरछा लेके जाना है इस तरीके से। अब इसका सेप हमें देना है थोड़ा सा, तो ये देखिए हल्का सा आगे की ओर कर्व देते हुए इस तरीके से थोड़ा सा कर्व दिया है, और कर्व देके इसका हमने अच्छी तरीके से सेप दे दिया है। यहाँ पर इस तरीके से 5.25 आया, यहाँ पर भी 5.25 पर इस पर भी निशान यहाँ पर लगा देंगे ताकि हमारा ये प्लेट जो है सीधी हो सके, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कर्व आ चुका है। तो अब इस तरीके से स्केल रखते हुए जो हमने पहले निशान जो सीधा रखा था वहाँ से इस तरीके से तिरछा रखते हुए इस पर निशान को मिला देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर सीधी वाली लाइन के साथ ऐसे मिलाना है, फिर इधर भी इस तरीके से जो एक्स्ट्रा हमने लिया था उसी के अंदर इस तरीके से तिरछा कर देना है। तो ये हमने डार्क कर दिया, अब इसे कट कर देना है। यहाँ से थोड़ी सी क्लिप डिलीट है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो फिर यहाँ पर इसके बाद अब हमें कट कर देना है सारा, और ये जो बीच का हमारा जो प्लेट वाला हिस्सा है इसे भी कट करना है। तो ये नीचे के पहले हमने काट दिए, काटने के बाद हमें ये जो बीच वाला भी है जो भी लाइन पर निशान लगाया है इसे भी कट करना है। अब इसके बाद हम हमें कपड़े पर कटिंग करने के लिए अब यहाँ पर कपड़े पे कटिंग करना है। तो इसे इस तरीके से 2 फोल्ड करके हमने बिछा लिया है बराबर से, और अब बैक साइड के पल्ले को इस तरीके से लेंगे और जो इसका बंद वाला हिस्सा है उसे अपनी तरफ रखेंगे, और इस तरीके से इन पल्लों को रख के निशान लगा देना है। निशान लगाने के बाद इसे कट कर देना है। सबसे पहले तो सभी जितने भी पीस हमारे कटे हुए हैं उन सबको इस कपड़े पर इस तरीके से बैठा लेना ताकि हमारे सारी पीस सही से निकल आएँ और हमारा कहीं पर जोड़ ना पड़े। कपड़ा थोड़ा कम है तो उसके लिए हमें इसी तरीके से सारे कपड़ों को रखकर अच्छी तरीके से बैठा के देख लेना चाहिए कहाँ से क्या पल्ला निकल रहा है। तो यहाँ पर मैं कुछ भी स्किप नहीं करूँगी और सारा दिखाऊँगी प्रोसेस किस तरीके से हम यहाँ पर रखेंगे। तो इसको हमने इस तरीके से रखा है और इसे भी रख दिया है, और उसके बाद हमें बराबर से सारे कपड़ों को रखना है। और ये हमारा डबल फोल्ड पे हमारा जो मेन फैब्रिक है रखा हुआ है, इस तरीके से हमारे सारे पीस एक साथ ही कट होके निकल आएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से एक ये इसको भी हमने रखा इस तरीके से बराबर करते हुए यहाँ पर। तो ये हमारा थोड़ा देखिए यहाँ साइड से थोड़ा सा कम हो रहा है, इसलिए हमें इसे यहाँ से ना निकाल के नीचे की ओर से हम इसे निकालेंगे। तो अब हम यहाँ पर इस तरीके से रख दिए, रखने के बाद ये हमारा कम पड़ रहा है तो इसे हमें यहाँ से नहीं लेना है, इसे हम नीचे की साइड से लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं किस तरीके से कपड़े को किस तरीके से हमें एडजस्ट करना होता है। इस सारी चीज़ों को हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि कपड़ा कम हो तो हमें कैसे एडजस्ट करना होता है। तो इस तरीके से हमारा सब सेट हो जाता है। अभी भी हमारा ये कपड़ा यहाँ पर सेट नहीं हो पाया है, तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इधर से देखना होगा। और हाँ, हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे स्लीव्स भी इसी में से निकलेंगे तो वो कैसे निकलेंगे और हमारा कपड़ा कम ना हो। तो यहाँ पर इस तरीके से अब ये हमारा फिक्स है, और स्लीव्स की लंबाई हमें जितनी चाहिए 3-4 पर, तो हाँ हमारी यहाँ से निकल सकती है आराम से, हमने ये भी देख लिया। अब इसके बाद अब हमें इसे इसी तरीके से इसको कट करके निकालना है। यहाँ पे हमने कुछ भी स्किप नहीं किया, आराम से सारा चीज़ दिखाया है ताकि आपको समझ में आए यदि आप पहली बार कटिंग कर रहे हैं सर वाले ब्लाउज़ की। तो यहाँ पर इस तरीके से सभी निशानों को इस तरीके से लगा लेंगे ताकि हमारा यदि कपड़ा स्लिप भी करता है कहीं से तो हमें पता चल जाएगा। आप चाहें तो बीच बीच में कहीं कहीं पिन भी लगा सकते हैं यदि कपड़ा आपका ज़्यादा स्लिप करने वाला हो तो।
तो इस तरीके से सारे निशानों को लगाने के बाद अब हमें कट करना होगा। अब यहाँ पर इस सारे पीसों को इस तरीके से इसके ऊपर रखा हुआ है और निशान लगाने के बाद यहाँ पर हमने कट कर दिया। तो सभी को आराम से कट करना है, थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ते हुए कट करना है ताकि यदि हमारा दबाते समय थोड़ा सा भी कपड़ा इधर उधर होता है तो वो सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने बैक साइड का पल्ला लिया है, इसको इस तरीके से कंधे के पास से जहाँ पर हमारा निशान है 1.5 इंच एक्स्ट्रा, वहाँ पर इस तरीके से तिरछा निशान देख रहे हैं तो वहाँ पर हमारा लगभग 7 पर आया है। तो इस तरीके से स्लीव्स की कटिंग के लिए हमें कपड़े की चौड़ाई कैसे लेनी है तो ये हमने यहाँ पर दिखा दिया। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से 7 पर आना चाहिए और आगे की ओर एक्स्ट्रा कपड़ा में 1.5 इंच और आना चाहिए। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पर कपड़े को इस तरीके से ले लिया है, 7 और प्लस 1.5 इंच और एक्स्ट्रा हमारा यहाँ पर आ रहा है। तो हम पहले एक स्लीव्स की कटिंग करेंगे और फिर दूसरे साइड से दूसरे स्लीव्स की कटिंग करेंगे क्योंकि यहाँ पे कपड़ा थोड़ा कम है। तो अब हमें यहाँ पर कितना लंबा स्लीव रखना है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है क्योंकि हमारा अस्तर वाला है, हमारा ऊपर आधा इंच और नीचे आधा इंच दबेगा। और तो इस तरीके से यहाँ पर हम सीधी लाइन खींच लेंगे, हमने निशान ले लिया है लंबाई में कि हमारा कितना कपड़े की लंबाई चाहिए और चौड़ाई चाहिए। अब इसके बाद अब हमें यहाँ पर लगभग 3.5 इंच पर नीचे की ओर हमें झुकाव देना है। तो ये हमने 3 इंच 3.5 इंच पर निशान लगा दिया इधर। अब हमें इसकी गोलाई कैसे देनी है तो उसके लिए अब सीधे सीधे अब हम यहाँ पर निशान दिखा दे रहे हैं, इस तरीके से सीधी लाइन यहाँ पर खींच देनी है जो हमने 3.5 पर निशान लिया था। अब इस तरीके से हमारा जो हमने नापा था 7 इंच बैक साइड के ब्लाउज से उस निशान को इस तरीके से तिरछा इस पर लेना है और हमारा उसके बाद 1.5 इंच और एक्स्ट्रा कपड़ा जो रहेगा वो भी निशान लग चुका है। और यहाँ पर हमें कम से कम 2 से 2.5 इंच पर एक निशान लगाना है इस तरीके से, 2.5 से 3 इंच भी आप ले सकते हैं और इस तरीके से इसको कर्व देना है, ये देखिए इस तरीके से। और इसके बाद निशान लगाने के बाद हमारी बाजू की गोलाई कितनी है उसका हाफ करना है, जो गोलाई होगी उसको इस तरीके से निशान लगाना है और इसको मिला देना है। मिलाने के बाद हमारा जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा 1.5 इंच या 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे तो वहाँ पर बढ़ा लिया उसको मैंने। अब इसके बाद जो गोलाई दी थी उसमें नीचे की ओर 1/2 इंच आते हुए इसको भी इस तरीके से कर्व देना है पत्ती के सेप का। तो ये देने के बाद अब हम ये इसको नीचे 1/2 इंच और नीचे झुक गए हैं जहाँ पर हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है तो वहाँ पर भी निशान लगा हुआ है। अब इसके बाद सीधे सीधे इस तरीके से इसको कट करना है, ये देखिए हम नीचे से थोड़ा सा कपड़े को नीचे से लेते हुए कट करके निकाल रहे हैं। तो ये हमारा एक स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है और ये हमारा नीचे का हिस्सा जो एक्स्ट्रा था इसको कट करके हमें निकाल देना है। अब यहाँ पर ये जो हमारा मेन फैब्रिक था उसको डबल करके हमने इस तरीके से रखा था उसी पर इसको अस्तर के स्लीव्स को रख के इस तरीके से इसको भी कट करके निकाल लेना है। हमारे दोनों स्लीव्स निकल के आ गए हैं तो यहाँ पर हमारा ये कटिंग हो गया है और ये जो ज्वाइन है तो इसे भी इस तरीके से कट कर देना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।